हम सब ये जानते हैं कि गाड़ी का सबसे अहम हिस्सा उसका इंजन होता है। इंजन कितना बड़ा होगा, पावर उतना ही ज्यादा मिलेगा और गाड़ी उतनी ही तेज भागेगी। लेकिन कई कार्स में इंजन छोटा होने के बावजूद इनका पावर कहीं ज्यादा रहता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सभी इंजन्स फोर स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं और इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत होती है। अब इसे ध्यान से समझिए। इनटेक स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे जाता है तब वो हवा को अंदर खींचता है। इस सिचुएशन में पिस्टन जितनी हवा अंदर खींचता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निर्भर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हमारे अर्थ के अंदर मौजूद प्रेशर। आसान भाषा में यदि आप जहाँ खड़े हो तो आपके ऊपर कितना दबाव पड़ रहा है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करने वाले इंजिन्स को नेचुरली एस्पिरेटेड इंजिन्स कहते हैं। अब कहिए कि इंजन सिलेंडर के अंदर एक्स मात्रा में हवा मौजूद है तो फायरिंग स्ट्रोक में भी एक्स मात्रा में ही ईंधन जलेगा और कहिए कि वाई मात्रा में पावर मिलेगा। गैस या हवा की एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है कि उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस किया जा सकता है। अब सोचिए कि यदि इनटेक स्ट्रोक में ही इंजन एक्स की जगह 2x मात्रा में हवा को खींचता है तो पावर स्ट्रोक के बाद इंजन का आउटपुट भी वाई की जगह 2y मिलेगा, यानी इंजन का आउटपुट पावर बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंजन जितनी हवा अंदर खींचेगा उतना ही ज्यादा वो बर्न होगा और उतना ही ज्यादा पावर मिलेगा। ऐसे इंजिन्स को फोर्स्ड इंडक्शन इंजिन्स कहते हैं, यानी हवा को इंजन के बाहर कॉम्प्रेस करके इंजन में डाला जाता है और ऐसा करने के लिए टर्बोचार्जर्स का उपयोग किया जाता है। टर्बोचार्जर एक सिंपल डिवाइस है जिसके अंदर ज्यादा मूविंग पार्ट्स भी नहीं रहते हैं। चले हम इसकी इंजीनियरिंग को समझते हैं। टर्बोचार्जर सिंपली एक कॉम्प्रेसर है जो हवा को कॉम्प्रेस करने का काम करता है। सबसे पहले जानते हैं कि टर्बोचार्जर को कहाँ बिठाया जाता है। इसे इनटेक मैनिफोल्ड और एयर फिल्टर के बीच में यूजुअली बिठाते हैं। टर्बोचार्जर के अंदर हमें कुछ ऐसा सीन दिखता है। इस वाले हिस्से को हॉट साइड कहते हैं और इस वाले को कोल्ड साइड। इसके अंदर टर्बाइन रहता है जो कोल्ड साइड के कंप्रेसर से जुड़ा रहता है और ये दोनों के बीच रहता है बैरिंग हाउसिंग जिसपे कंप्रेसर और टर्बाइन घूमते हैं। बैरिंग और शाफ्ट के बीच का क्लियरेंस इंसान के बाल की साइज से भी कम रखा जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और शाफ्ट गर्म ना हो। इस वाले हिस्से को कहते हैं वेस्ट गेट, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि टर्बोचार्जर कैसे पावर जनरेट करता है। यदि आप यहाँ देखें तो टर्बोचार्जर में चार पोर्ट्स हैं जहाँ से हवा का बहाव होता है। हॉट साइड में टर्बाइन लगा रहता है और क्योंकि टर्बाइन एक पावर जनरेटिंग उपकरण है इसलिए इसे पावर जनरेट करने के लिए गाड़ी के एग्जॉस्ट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जॉस्ट गैसेस टर्बाइन इनलेट से अंदर आती है और टर्बाइन के प्रोफाइल की वजह से उसकी गति 150,000 RPM तक चली जाती है। इस प्रोसेस को टर्बाइन थ्रॉटलिंग कहते हैं। कंपैरिजन के लिए घड़ी की घूमने की गति 1 RPM रहती है। अब इतनी हाई स्पीड्स पे फ्रिक्शन से गर्म होना तो लाजमी है जिसके चलते इसे ठंडा करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल हाउसिंग में ग्रूव्स बने रहते हैं जहाँ से कूलेंट को अंदर भेजा जाता है जिससे कि टर्बाइन शाफ्ट ठंडा रहता है। शाफ्ट पर एक ऑयल रिंग भी दी जाती है जिससे कि कूलेंट या ऑयल टर्बाइन के अंदर ना जाए। टर्बाइन को घुमाने के बाद हॉट एग्जॉस्ट गैसेस टर्बाइन के आगे से बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। टर्बाइन के घूमते ही कंप्रेसर भी घूमने लगता है जिससे कि फ्रेश हवा एयर फिल्टर से होते हुए कोल्ड साइड में जाती है। कोल्ड साइड का प्रोफाइल और कंप्रेसर की हाई स्पीड के चलते हवा कंप्रेस होती है और इस पाइप के रास्ते इनटेक मैनिफोल्ड में आती है। इस तरह हवा को बाहर ही कंप्रेस करके इंजन में डाला जाता है। लेकिन इस तकनीक में एक समस्या आती है। एग्जॉस्ट से आने वाली हवा बहुत गर्म होती है और गैसेस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर भी उसी गति से बढ़ेगा, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और क्योंकि टर्बोचार्जर में प्रेशर बढ़ता है इसलिए टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले बहुत डेंस होती है जिससे कि उसे कंप्रेस करने से इंजन डैमेज हो सकता है, इसलिए यहाँ इंटरकूलर का उपयोग किया जाता है। इंटरकूलर गर्म हवा को ठंडा करता है जिससे कि गैस का प्रेशर भी
थोड़ा सा घट जाता है। इस ठंडी हवा को इंटरकूलर इंजन सिलेंडर में डालता है और कंबशन प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और वो है टर्बो लैग। इसे जानने के लिए टर्बोचार्जिंग प्रोसेस को समराइज करते हैं। पहले एग्जॉस्ट गैसेस टर्बाइन इनलेट में आती है, उसके बाद कंप्रेसर को घुमाते हुए फ्रेश एयर टर्बोचार्जर में अंदर आता है और आखिर में कंप्रेस होकर इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान एग्जॉस्ट गैसेस को कंप्रेस होकर और ठंडा होकर इनटेक मैनिफोल्ड में आने में कुछ वक्त लगता है, जिसे टर्बो लैग कहते हैं। इसकी वजह से ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त स्पीड बूस्ट महसूस होता है और ये लैग शुरुआत के कुछ समय में ही देखने को मिलता है। इससे इंजन पे कुछ भी बुरा असर नहीं होता है और आने वाले समय में इस लैग को बहुत ही हद तक कम भी किया जा चुका है। अब नेक्स्ट साइकिल में जब इंजन एग्जॉस्ट छोड़ता है तो टर्बो चार्ज रहने के चलते इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज्यादा रहते हैं, और अगर ये हाई प्रेशर एग्जॉस्ट टर्बो चार्जर में अंदर जाता है तो वो टर्बो चार्जर को डैमेज कर सकता है। इसलिए यहाँ वेस्ट गेट का उपयोग किया जाता है। वेस्ट गेट एक वाल्व की तरह काम करता है जो अंदर आने वाले एग्जॉस्ट प्रेशर को नियंत्रित करता है। अगर सिस्टम में प्रेशर ज्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा गैसेस को वेस्ट गेट के थ्रू बाईपास होते हुए कैटलिटिक कन्वर्टर में भेजा जाता है, जहाँ से वो एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।